लाइट सो है गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी इट्स मी सब देख रहे हैं मैं YouTube चैनल। तो भाई लोग दोबारा आ चुका हूं मैं एक शानदार वीडियो लेके। सो भाई लोग पहले आप सभी की फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली, आप सभी की फैमिली खुश रहे और मेरे पीछे भाई लोग जैसे कि आपको पता है मैं अपने मामकोट में हूँ। तो यहाँ एक बहुत ही शानदार प्रकार का एक खेल टाइप का होता है ना, तो क्या बोलते हैं भाई, तो कैसे खेला जाता है देवसूर्य में आपको बताता हूँ। अभी हम बगल वाले गांव में जा रहे हैं, फुल एंजॉय करेंगे। तो भाई लोग टोली चेक कर सकते हो, बहुत मजा आने वाला है, देख सकते हो पीछे भाई लोग, आगे भाई लोग, सभी के सभी भाई लोग अपने। तो अभी घर घर जाके हम देवसूर्य खेलेंगे भाई लोग, बहुत ही मजा आता है उसको खेलने में भी। घर घर जाके देवसूर्य खेला जाता है, उसमें ऐसा सीन रहता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ये दीपावली में खेला जाने वाला एक खेल है, कार्यक्रम टाइप में है, यानी कि बहुत ही मजा आता है इसको खेलने में। इसका नाम देवसूर्य है और लोग घर घर जाते हैं और सभी लोग उसको गोल घेरे में रह के एक गाना गाते हैं बहुत ही प्यारा सा, और गाँव के लोग उसको, हाँ वो बाद में दिखा दूंगा मैं आपको कैसे करते हैं, आपको बाद में दिखा दूंगा। और गांव के लोग सभी चावल और अपनी तरफ से भेंट देते हैं और उसके बाद हम वहां से चले जाते हैं। तो आपने ये चीज़ मतलब हर जगह नहीं देखी होगी भाई लोग, तो मतलब बहुत ही प्राचीन चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, फुल मजा आएगा। तो वीडियो में बने रहिए और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो भाई लोग आपको जो घर दिख रहा है, तो हम अभी उस घर पर जाएंगे और वहां से स्टार्ट करेंगे हम इस घर से। ये ऐसे ही गाना गाते हैं और लोग बोलते हैं, एक गाना गाता है लाइन बोलता है और जितने लोग हैं साथ में देवसूर्य बोलते हैं। तो इस घर पे से स्टार्ट करते हैं, देख सकते हो अभी जा रहा है, आपको मैं घर से दिखाता हूँ क्योंकि लाइट भी अच्छे से मिलेगी आपको, जैसे यहाँ पे अभी अंधेरा आ रहा होगा, सभी लोग नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ सभी को। तो भाई लोग आप लोग देख सकते हो कि लेके आ चुके हैं हम अपने प्लेट में चावल और ये भेंट अपनी तरफ से, देख सकते हो। और ये हमारी नानी है, वो हमारे नना है और ये हमारी यहाँ है, हेलो कर दो नना एक बार। तो देख सकते हो अब ये बैग में डालेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से। तो जब आपको बेड मिल जाता है उसके बाद लास्ट में नाचा जाता है, देख सकते हो कैसे नाच रहा है, गाना भी बज रहा है और नाच भी रहे हैं पूरे इंजॉय से। अब सभी भाई लोग इस घर पे आ रहे हैं, इस घर के बाद से इस घर पे, देख सकते हो क्या हो गया भाई तेरे को। ये भाई है गाना गाने वाला, हेलो करो बच्चे लोग, हेलो कर दो नानी, ये हेलो कर। तो भाई लोग ये अपना मामा, हेलो कर, ये अपने नाना, हेलो करो, हेलो, ये दूसरे नाना, हेलो शर्माते हो बैंक मैनेजर, हेलो करो। तो भाई लोग देख सकते हो यहाँ से भी वही जैसा नीचे हुआ था वैसे चावल और कुछ भेंट दे रहे हैं, अब ये लेके हम यहाँ से जाएंगे और थोड़ा नाचेंगे, इसको रखने के बाद थोड़ा नाचेंगे, अपना एंजॉय करेंगे और उसके बाद चलेंगे। गाँव पालिका वडा नंबर 2 बस्तुने आशीष जोशीले एक मानव चामल का साथ साथ रु 105 प्रदान गर्नु भएकोमा उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद। All the rest are good to
उठाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा इसको मैं गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा उठाना पड़ेगा स्टार्ट करके दिखाना पड़ेगा ऑल दैट इज दी बैक भाई लोग देख सकते हो टीम अपनी है अल्लाह ये पार्टी ऑल नाइट अभी तो और मजा आने लगा है अभी तो हमारे घर घर पे जाएंगे और जो सामने लाइटें चल रही है ना भाई लोग हम उस पहाड़ में भी जाएंगे पटाखा चला रहे गाइस रंगोली के बीच में फूस होगा ये फूस है जब सूरे जब सूरे जब सूरे देख सकते हो हमें दे चुका अगी सारी फेक लगे देख के तुझको ब्रेक लगे दूर दूर से ठीक है रानी पारा इतना हाई हुआ के थर्मामीटर टूट गए डेढ़ो हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी तो भाई लोग अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पहाड़ पे लाइट दिखती थी वहाँ जा रहे थे तो हमें वहाँ जाने के लिए बीच में का जो पुल रहता है ना जो नेपाल का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुल है मैंने वीडियो भी बनाई थी तो उस पुल को क्रॉस करके जाना पड़ता है तो अभी पुल में काफी इंजॉय करेंगे हम और पुल में काफी धमाका करेंगे अभी तक की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी इतना चिल्ला के गला देख सकते हो गला बैठ चुका है चिल्ला के और बाकी अभी हम सीधे जा रहे हैं यहाँ पे पूल पे और पूल पे करेंगे रुक के हम फुल एंजॉय ये है अपने नवीन भाई और नहीं नाना बोल नवीन नाना और उसके बाद हम पूल पे बैठ के आपको मैं सभी से मिलाऊंगा एक एक से जितने भाई लोग हैं यहाँ पे बहुत भीड़ है बहुत कलेशी लोग हैं यहाँ पे सभी के सभी तो पूल पे चलते हैं फुल एंजॉय करते हैं आई होप आपको अभी तक वीडियो पसंद आई होगी आगे भी बने रहिए आगे तो और मजा आने वाला है मिलते हैं आपको पूल पे तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं पुल पे देख सकते हो ये रहा अपना पुल और आगे भाई लोग हैं पूरी टोली आपको थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ बीच में देखो मेला जैसा लगा होगा लोग मैं अपनी सभी भाइयों से इंट्रोडक्शन कराता हूँ सबसे पहले रोल नंबर एक नाम मेरा नाम सुबन नवम नंबर दो ये रोल नंबर दो नाम बोल में ओके जोशी हाँ चल अब चल अब चल रोल नंबर तीन विश्वराज जोशी रोल नंबर चार कफिल बम रोल नंबर पाँच रामानंद राजन जोशी रोल नंबर छह जगदीश जोशी रोल नंबर सात मेरा नाना पद्मराज जोशी रोल नंबर आठ रोल नंबर नौ उपेंद्र कार्की रोल नंबर दस रोल नंबर ग्यारह नाम मेरा नाम कमल 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 रोल नंबर बारह नाम रोल नंबर तेरह रोल नंबर चौदह भाई लोग हम भैरव पुल पे हैं मेरा नाम नवीन जोशी है इसका नाना श्री है रोल नंबर कितना था तू रोल नंबर टेन टेन चल रहे तेरह चौदह चौदह हेलो मेरा नाम जगदीश है इसका नाम चैनल में सब्सक्राइब रोल नंबर पंद्रह नाम जानता ही बोल दे और रमेश भाई और भाई लोग मैं आपका व्लॉगर मनीष भाई चलो भाई लोग ये जाते तो भाई लोग अभी मेरे साथ है सुवर्ण भाई और क्या बोलते हैं आप सब ये चीज तो वीडियो तो देख रहे हो कि हम लोग घर जा रहे हैं वो लोग कुछ दे रहे हैं और हम वहाँ पे नाच रहे गा रहे हैं पर ये क्यों किया जाता है कब किया जाता है ये ऑल डिटेल आपको ये हमारा सुवर्ण भाई बताएगा तो सुवर्ण भाई बताओ कि ये क्यों किया जाता है हाम्रो यहाँ के छ भने खासै त्यो दिवाली त्यति त मान्दैन होइन तर पनि मान्छन् धेरैले मान्छन् होइन धेरैले मान्दैनन् धेरैले मान्छन् मेन हाम्रो यहाँ हुने पनि त्यसै होइन तर पनि दिवाली तिहार भन्छन् होइन हाम्रो यहाँ त्यो पनि अब तिहारमा धेरै त त्यति इन्ट्रेस्ट छैन तर पनि यहाँ भइरहेको छ तिहार हुन्छ हामीहरूले मनाइरहेको छ होइन हाम्रो यहाँ तिहारमा के हुन्छ भने हामीहरू रमाइलो भनौँ न खास गरी रमाइलो भनौँ सबै केटाहरू जम्मा भएर होइन दिवाली भैलो भन्ने कुरा भैलो खेल्ने गर्छौँ के खासमा घर घर गएर घुमेर गाउँमा गएर होइन
सबै कुरा गर्ने गर्छौँ होइन, सबै सबै केटाहरू भएर रमाइलो पनि हुन्छ होइन। यहाँ गएर अब हाम्रो पहिला के हुन्छ भने गाई तिहार तिहार, त्यसपछि लक्ष्मी लक्ष्मी पूजा लास्टमा आउँछ, फाइनली भाइटिका भन्ने आउँछ। भाइटिकाको दिन चाहिँ सबै आफ्नो दिदीहरूले आफ्नो भाइहरूलाई अथवा वरपरमा आफ्नो छरछिमेकमा भएको दिदीहरूलाई पनि टिका लाउने गर्छन् होइन। त्यही हो, अब तिहार त्यति खास भइरहेको छैन होइन, त्यति पनि अब ठिकै छ भनौँ, हामीहरूले रमाइलो गरिरहेछौँ। तो भाई ने पूरा नेपाली भाषा में बताया अपनी भाषा में, आपको हिंदी में भी समझाता हूँ, यहाँ के लोगों को हिंदी भी आती है, ऐसी बात नहीं है, हिंदी में भी समझेंगे। तो भाई लोग हिंदी में आपको बताएंगे, हमारे नवीन भूसरी और ये भाई, ठीक है हो गया कमल, तो कमल भाई, तो पहले नवीन भाई बोलो। हमारा ये दीपावली दीपावली कार्तिक महीने में, कार्तिक महीने के चार पाँच हिंदी हिंदी में बोल बोल रहा है यार, तू कार्तिक बोल रहा है यार, नवंबर बोलना, नवंबर हमारे यहाँ नेपाल में तो भाई लोग दीपावली के फर्स्ट दिन काग तिहार मनाया जाता है। काग तिहार में यहाँ के लोग हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ के लोग खाना खाने से पहले काग को खाना देते हैं। काग को खाना नहीं दिया तो पाप लगने लगता है बोल के यहाँ के लोग सोचते हैं। और दूसरे दिन कुकुर का पूजा करते हैं, कुकुर का पूजा करके लक्ष्मी पूजा भी होती है उसी दिन। और उसके तीसरे दिन में गाय का पूजा होता है, हमारे धर्म के हिंदू धर्म के अनुसार गाय का पूजा करते हैं। हम लोग तीन दिन तक दिवाली में देवसी भैलो खेलते हैं। तो भाई लोग इसका यूट्यूब चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनीष भट्ट का ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। तो गाइस अभी हम फूल पार करके थोड़ा ऊपर पहुँचा है यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे। तो जो भाई लोगों ने बताया मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या बोला था। देखो ऐसा है, दिवाली आने से पहले पहले दिन आता है काग पूजा। काग पूजा में क्या करते हैं, कौवे की पूजा करते हैं। फिर उसके अगले दिन आता है फिर उसके बाद आता है लक्ष्मी पूजा, और उसके बाद आता है गाय की पूजा जो हिंदू धर्म में की जाती है। और उसके बाद दिवाली स्टार्ट होती है, और उस दिवाली में यहाँ परंपरा है इस गाँव का, इस गांव के हर जगह खेलते हैं ये। क्या खेलते हैं भोलो, क्या बोलते हैं देवसुरे खेलते हैं। और उसमें क्या करते हैं देवसुरे के घर घर जाते हैं, मतलब सभी एक टोली बनाते हैं अपने और घर घर जाते हैं। ये रीति रिवाज है यहाँ का, तो घर घर जाते हैं, घर घर जाते हैं और घर पे जैसे मैं आपको दिखा था कि गोल घूमते हैं और गाना गाते हैं, क्या गाते हैं भोलो गाते हैं, और एक गाते हैं और एक और सभी लोग देवसुरे देवसुरे बोलते हैं। आपने वो देखा, मैंने आपको दिखाया। तो फिर साथ जो उस घर के लोग होते हैं वो अपनी तरफ से चावल और थोड़े बहुत भेंट रुपये देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कितनी रात हो जाए 12-1 बज जाए घर घर जाते हैं, ऐसे ही खेलते हैं और वो देते हैं। इस तरह ये रीति रिवाज आता है। और फिर ये सब जब ये भोलो ये देवसुरे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जितनी टोली थी, यानी कि कल हुआ ख़त्म, आज मतलब कल लास्ट है, जितनी टोली थी टीम में वो सभी उन जितने चावल मिले इकट्ठा हो गए, जितना हमें चावल मिला है और रुपया मिला है, रुपये का मतलब कुछ लेके आते हैं, कुछ भी खाने की चीज़ दाल भात बनाते हैं, कहीं दूर जाके अकेले इंजॉय करने वाली जगह पे जाके, यानी कि जंगलों के बीच में जाके अपना फुल इंजॉय करने के लिए भाई लोग जितना टोली रहती है वो सभी पूरी ग्रुप जाती है जितने लोग गए थे, और चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, भात बनाते हैं, खाते हैं, अपना फुल इंजॉय करते हैं वहाँ पे, और उसके बाद आते हैं। तो ये रहता है, ये परंपरा रहती है देवसरे, इसलिए देवसरे ऐसे खेला जाता है, आपको मैंने बताया। तो भाई लोग आपको इतनी प्राचीन चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो आई होप आपको अच्छी लग रही होगी वीडियोज। अभी हमें आगे और जाना है, अभी 11 बज रहे हैं, हमें अभी और ऊपर गाँव में जाना है, तो हम गाँव में चलते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, बाकी लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना भाई लोग। तो भाई लोग इले सोए हैं, उठाने का तरीका देखो, पटाखा फोड़ के जब सूर्य
उठाने का तरीका है भाई लोग, पटाखा ये चेक करो, पटाखा फोड़ के उठा रहे हैं। दसूरे उठ चुके हैं भाई लोग, देख सकते हो उठ चुके हैं, ऐसे देते हैं। धड़कन का मरियो मेरो दिल, मेरो दिल, मेरो दिल, मेरी रानी पूरी थल की बाजार रहा, ओची है पूरी थल की बाजार रहा। सब लोग मजे में है भाई लोग। कमारा तो भाई लोग आधी रात हो चुकी है, यहाँ 12 बज चुके हैं और हमको भूख लग रही थी तो हमने दुकानदार को बुला के दुकान खुलवाया और देख सकते हो हम सभी एक एक बिस्किट खा रहे हैं, एक एक पैकेट, सभी के हाथ में एक एक पैकेट बिस्किट है। भूख लग के आफत आ गई है, कोई घर से खाना खा के आया था और कोई घर से बिना खाना खाने आया था, तो इसको खाते हैं और दोबारा अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। दसूरे तो भाई लोग लगता है अपना ये लास्ट घर है, इसके बाद घर जाएंगे क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। दसूरे तो फाइनली गाइस हमने मतलब बहुत घरों में घूम लिए हैं, अब हम जा रहे हैं वापस घर को और अभी हम पुल पे पहुंचे। जैसे एक बार नीचे दिखाया, मैं पुल दिखाता हूँ, ये देख सकते हो पुल पे अभी चल रहे हैं, अभी यहाँ से अभी बच चुके हैं एक, अभी हमें यहाँ से ऊपर पहुँचने में आधा घंटा और लगेगा, तो फिर हम चलते हैं और आपसे रूम पे मिलते हैं। बहुत थक गए हैं बहुत।